Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon. लाइन में ऊपर लगाऊंगी और ये यही कपड़ा मैं स्ट्रेट करके नीचे लगाऊंगी। पहले ऊपर के हिस्से पे हम निशान लगा लेते हैं। ऊपर हमने लिया है 14.5 इंच लंबाई ली है। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा लिया है, अब कटिंग करेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब हम आगे का गला बनाएंगे। किसी भी शेप में बना सकती हैं आप। गला काट लेंगे। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि झोल ना आए। अब हम फोल्ड करेंगे, इसके तिरपाई करेंगे फोल्ड करके। ये देखिए मैंने तिरपाई कर ली है। ये नीचे का हिस्सा हमने लिया है, अब हम इस पे कट लगाएंगे। पहले मैंने नीचे की चौड़ाई 23 ली हुई है। अब हम कट का निशान लगाएंगे। 17 इंच का निशान लगाना है, बाकी का हिस्से छोड़ देंगे। अब हम ऊपर से भी 17 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम कट कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। ये देखिए बिल्कुल अलग कर देना है। अब हम एक के ऊपर रख के हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ तक निशान लगाएंगे। पहले हमें 16 इंच तक निशान लगाना है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो बाकी का कट है हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर का हिस्सा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे रखना है, सीधी सिलाई मारनी है। ये देखिए मैंने जोड़ लिया है। अब हम बाजू बनाएंगे। ये मैंने निशान लगा लिया बाजू का। सीधा कपड़ा लिया है मैंने बाजू पे।
अब हम आगे का बॉर्डर लेंगे। आगे के बॉर्डर को हम दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए सूट मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इस कुर्ती पे एक साइड पैच बनाऊंगी। बहुत ही आसान है ये पैच बनाना। ये मैंने ब्लैक मोती लिए हैं, आप किसी भी कलर के ले सकती हैं। देखिए एक बन गया है। अब हम ऐसे ही दूसरा भी बनाएंगे और तीसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। रेडी हो गए तीनों। अब हम वाइट मोती लेंगे। अरे मैंने बचे हुए कपड़े से लटकन बनाई है। अब हम इसी लटकन में मोती डालेंगे। अगर आपको मेरी कुर्ती अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।